दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है इलेक्शन। वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्शन रिलेटेड इंग्लिश वर्ड्स के बारे में विद हिंदी मीनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चुनावी प्रचार, चुनाव के टाइम पर नेता लोग अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन। नेक्स्ट है नारे लगाना, रैलियों में लगाए जाने वाले नारे को इंग्लिश में बोलते हैं स्लोगन्स, स्लोगन्स। नेक्स्ट है चुनाव आयोग, चुनाव की डेट चुनाव आयोग के द्वारा ही तय की जाती है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट है आचार संहिता, चुनाव की तारीख तय होने के बाद आचार संहिता लागू कर दी जाती है, फिर कोई भी नेता अपनी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट है मतदान केंद्र, जहां पर पब्लिक वोट डालने जाती है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पोलिंग बूथ, पोलिंग बूथ। नेक्स्ट है चुनाव, चुनाव को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन, इलेक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं पोल, पोल। नेक्स्ट है वोट डालना, जब आप पोलिंग बूथ जाकर वोट डालते हैं तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट द वोट, कास्ट द वोट। नेक्स्ट है भाषण, चुनावी रैलियों में नेता भाषण देते हैं, उस भाषण को इंग्लिश में बोलते हैं एड्रेस, एड्रेस। अब एक एड्रेस का मतलब होता है पता, पर यहाँ पे भाषण को भी एड्रेस ही बोलते हैं। नेक्स्ट है मताधिकार, मतलब आपके मत पर आपका पूरा अधिकार है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू वोट, राइट टू वोट। नेक्स्ट है अनुमानित नतीजे, इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले ही मीडिया अनुमानित नतीजे दिखाने लगती है, वो सर्वे वगैरह करके उनके हिसाब से अपने नतीजे दिखाने लगती है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एग्जिट पोल्स, एग्जिट पोल्स। नेक्स्ट है पूर्ण बहुमत, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लियर मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी। नेक्स्ट है गठबंधन सरकार, जब कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट, कॉलिशन गवर्नमेंट। नेक्स्ट है शपथ लेना, चुनाव होने के बाद जो भी पार्टी जीतती है उनके मंत्री शपथ लेते हैं, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं टेक ऑथ, टेक ऑथ। नेक्स्ट है नीति घोषणा पत्र, चुनाव होने से पहले नेता इस घोषणा पत्र पर लिखते हैं कि चुनाव जीतने के बाद वो क्या क्या काम करेंगे, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो। नेक्स्ट है विपक्षी दल, मतलब जो दूसरी पार्टी आपसे चुनाव लड़ने के लिए खड़ी होती है, उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं ऑपोजिशन पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी। नेक्स्ट है निर्वाचन क्षेत्र, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्युएंसी, कॉन्स्टिट्युएंसी। नेक्स्ट है उपचुनाव, जिस तारीख में चुनाव होने हैं जब किसी वजह से उस तारीख में चुनाव नहीं हो पाते हैं तो उसी चुनाव को जब आगे कराया जाता है तो उसे बोलते हैं उपचुनाव, और उपचुनाव को इंग्लिश में बोलते हैं बाय इलेक्शन, बाय इलेक्शन। नेक्स्ट है गठबंधन, जब एक से ज्यादा पार्टियां एकजुट हो जाती तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं अलायंस, अलायंस। नेक्स्ट है महागठबंधन, महागठबंधन को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड अलायंस, ग्रैंड अलायंस। नेक्स्ट है उम्मीदवार या प्रत्याशी, चुनाव लड़ने के लिए जो उम्मीदवार या प्रत्याशी खड़े होते हैं उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं कैंडिडेट, कैंडिडेट। नेक्स्ट है चुनाव लड़ना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट। नेक्स्ट है मतदाता उपस्थिति, मतलब कितने परसेंट वोटर्स ने वोटिंग की है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वोटर टर्नआउट, वोटर टर्नआउट। नेक्स्ट है चुनाव का बहिष्कार, मतलब विरोध करना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पोल बॉयकट, पोल बॉयकट। नेक्स्ट है उल्लंघन करना, मतलब कानून का उल्लंघन करना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वायलेट, वायलेट। नेक्स्ट है जीत, चुनावी जीत को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंप, ट्रायंप।
नेक्स्ट है दुष्प्रचार करना, मतलब गलत तरीके से प्रचार करना, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपागेंडा, प्रोपागेंडा। नेक्स्ट है ढेर सारे वादे, चुनाव से पहले नेता लोग ढेर सारे वादे करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेथोरा प्रॉमिस, प्लेथोरा प्रॉमिस। नेक्स्ट है प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी को इंग्लिश में बोलते हैं राइवल, राइवल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं अपनी एक और नॉलेजेबल और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।